दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे भारत के 10 सबसे अमीर राज्य। सबसे नंबर वन पर आता है महाराष्ट्र। इस नंबर पर सबसे नंबर वन पर महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र की जो कुल GDP है 32.24 लाख करोड़ रुपये है। महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय $1660 है। मुंबई में सबसे अधिक करोड़पति और अरब प्रति व्यक्ति रहते हैं। इस कारण इसकी GDP भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अमीर राज्य है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, जो भारत की IT सेक्टर में सबसे बड़ा योगदान निभाता है। वर्तमान समय में तमिलनाडु की GDP 19.43 लाख करोड़ रुपये है। यहाँ की जो 14-15 में प्रति व्यक्ति आय थी वो $3000 है। तमिलनाडु द्रविड़ शैली के हिंदू मंदिरों के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। तमिलनाडु 50% आबादी शहरों में निवास करती है। तीसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। इस लिस्ट में अमीर राज्य में तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का नंबर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की कुल GDP 17.05 लाख करोड़ रुपये है। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत के चौथा सबसे बड़ा राज्य तथा जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश को भारत के कृषि प्रधान राज्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह भारत के अनाज के उत्पादन के लिए करीब 18.9% योगदान देता है। चौथे नंबर पर आता है कर्नाटका। इस लिस्ट में कर्नाटक भारत का चौथा सबसे अमीर राज्य है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा IT हब है। कर्नाटक भारत में सिलिकॉन उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है। कर्नाटक की कुल GDP 16.65 लाख करोड़ रुपए है। कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, मंदिर इत्यादि हैं। इस राज्य की अलग संस्कृति, वास्तुकला, विक्टोरियन व अन्य चीज़ों के लिए जानी जाती है। पाँचवें नंबर पर बात करते हैं हम। पाँचवें नंबर आता है गुजरात। इस लिस्ट में गुजरात का पाँचवा नंबर आता है अमीर राज्यों में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के विभिन्न हिस्सों में कई पवित्र हिंदू धर्म स्थल है। यहाँ की जो GDP है 16.49 लाख करोड़ रुपए है। गुजरात के विकास का मुख्य स्रोत उद्योग और कृषि है, जिसमें कपास, तंबाकू, मूंगफली, बादाम आदि का अच्छा उत्पादक और कपड़ा, तेल, साबुन जैसी चीज़ों का कच्चा माल काफ़ी मात्रा में तैयार किया जाता है। छठवें नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल छठवें नंबर पर आता है। पश्चिम बंगाल भारत का छठा सबसे अमीर राज्य है। इतिहास में यह भारत का सबसे प्रबुद्ध और अमीर राज्य है। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान सन 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। यहाँ की जो GDP है 15.11 लाख करोड़ रुपये है। पश्चिम बंगाल के पूरे देश का कुल 20% चावल तथा 35% आलू का उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। अब बात करते हैं सातवें नंबर पर आता है तेलंगाना। इस लिस्ट में तेलंगाना सातवें नंबर पर आता है। तेलंगाना भारत के दक्षिण में स्थित है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ की जो कुल GDP है 9.78 लाख करोड़ रुपए है। तेलंगाना में कई फसलें जैसे तंबाकू, गन्ना, कपास और आम जैसे फसलों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ कई कंपनियाँ दवाइयाँ बनाने का काम करती हैं। यहाँ की जो GDP है वो कुल सकल घरेलू उत्पाद के कारण है। आठवें नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। इस लिस्ट में आठवें नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के अनुसार आठवां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की GDP 9.71 लाख करोड़ रुपये है। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश का जो घरेलू उत्पाद है 9.71 लाख करोड़ रुपये है। और यहाँ की जो मुख्य फसल है वो क्या है? कपास। यहाँ की जो मुख्य फसल है वो है कपास। अब बात करते हैं नौवें नंबर पर आता है राजस्थान। इस लिस्ट में नौवें नंबर पर राजस्थान आता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में राजस्थान की कुल GDP 9.58 लाख करोड़ रुपए है। यहाँ का प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र, सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग, नमक उद्योग इत्यादि शामिल है। यहाँ की मुख्य फसल जो है वो है कपास, तम्बाकू और गन्ना इत्यादि। यहाँ की जो मुख्य फसल है कपास, तम्बाकू और गन्ना है। दसवें नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। इस लिस्ट में दसवें नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की राजधानी है वो भोपाल है। मध्य प्रदेश का कुल घरेलू उत्पाद GDP 9.17 लाख करोड़ रुपए है। मध्य प्रदेश को अपने पर्यटक स्थल, औषधीय, सामाजिक और विकास को बढ़ाने के लिए भारत के राष्ट्रपति से अनुदान प्राप्त है। 2004 में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की सबसे थकी अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता था। Thanks for watching.
जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।